हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। मीनवाइल अभी इतने लोग बाकी लोग आ जाते हैं, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ आस्क। जी उमर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए। सर, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसके बारे में पूछना था। ओके, कोई स्पेसिफिकली कोई सवाल है या इन जेनेरिक पूछना है? सर, इन जेनेरिक पूछना है। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, ताकि मैं एक साथ क्वेश्चंस ले लूँ ना, फिर ये कि मैं वन बाय वन करके सबको रिप्लाई करता जाऊँगा। जी जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी पूछिए। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने पूछना था कि ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये एक फिलॉसफी है, थिंकिंग है, थ्योरी है या फिर एक सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये बेसिकली एक पूरी फील्ड ऑफ साइंस है, नंबर वन। और अब ये पूरा एक प्रोसेस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पूरा एक प्रोसेस है। पहले तो पुराने ज़माने में, मतलब यूँ कह लें कि प्रोक्योरमेंट को प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब अच्छा, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट हुआ करता था, वहाँ पे डेफिनेटली वेयर हाउसिंग भी थी, फिर एक लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट भी हुआ करता था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें आपकी प्रोक्योरमेंट है, आपकी लॉजिस्टिक्स है, आपका वेयर हाउसिंग है, ये तीन चीज़ें जो हैं, उन्होंने अब इसको एक मिला के इंटीग्रेट करके एक नया नाम दे दिया उसको। उन्होंने कहा है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो ये तो पूरी एक थीम है। इट्स बेसिकली कि आपने अपने प्रोडक्शन, अपनी प्रोक्योरमेंट, अपनी लॉजिस्टिक्स को कितने हद तक मेंटेन करना है। तो पूरी एक साइंस है, इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं बाकायदा। बिल्कुल सर। और सर अगर हम इसको रेफर करें एज के सब SCM सिस्टम्स, तो फिर उसमें सॉफ्टवेयर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही है? बिल्कुल, अब आजकल जितनी ERP आ रहे हैं, वो बगैर उनमें SCM का अपना अपना एक मॉड्यूल है तमाम का ऐसा। अब ERP विदाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो तो वो तो फिर लोग उसको इतनी अहमियत नहीं देते। बिल्कुल सर। वो बस ना ICMA की जो बुक है ना, उन्होंने वहाँ पे बड़ा लिखा हुआ था कि ई बिजनेस सॉफ्टवेयर्स, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था SCM सिस्टम्स, ऐसे तो वो बड़ी कंफ्यूजन हो ठीक रही है, थी उससे कि वो। वो SCM सिस्टम्स उसको कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जी सर, जब सिस्टम्स लगाते हैं तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि एज जिसमें उसमें सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सर। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट एक टॉपिक है, जिसमें हमने कहा था कि हम एक ऐसा प्रोसेस डिफाइन करेंगे
कि जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर में जो भी चेंजेस आए वो तमाम चेंजेस ऑथराइज हों, मतलब कि वी हैव टू स्टॉप दी एनी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन इन दी सॉफ्टवेयर। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट जो है वो डिफाइन की। अब उस पूरी चीज को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करने के लिए आप यूं कह लें कि जब हम सॉफ्टवेयर में कोई चेंज लेकर आते हैं तो देर आर मल्टीपल एक्टिविटीज दैट वी हैव टू परफॉर्म टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस प्रपोज्ड बाय द क्लाइंट इन द सॉफ्टवेयर। नाउ अब वॉट एवर द चेंजेस वी आर ब्रिंगिंग इन टू द सॉफ्टवेयर देर इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर दैट। अब हमने क्या किया कि देर इज अ पैरेलल देर इज अ सिस्टम दैट वी इंट्रोड्यूस्ड इन पैरेलल फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंजेस इन टू द सॉफ्टवेयर। उस प्रोसेस को बेसिकली फिर हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो कि जिसका काम जिस तरह से सॉफ्टवेयर में चेंज आ रही है उन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर में चेंज लाई जाएगी उन कामों पे नजर रखना। तो उन कामों पे नजर रखने के लिए उनको मैनेज करने के लिए उनको प्लान करने के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराते हैं। उस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और हमारे यहाँ मतलब सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हम उसको अमूमन सॉफ्टवेयर हाउस कहते हैं जहाँ या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी कहते हैं। तो हमारे यहाँ ये सारा का सारा प्रोसेस अमूमन या तो पार्शियली ऑटोमेटेड होता है या फिर फुली ऑटोमेटेड होता है। तो इसलिए फिर उसको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, और हमें इसलिए तो मुश्किल नहीं होती क्योंकि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हम आजकल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या हो गई, ये उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ का मजमूआ है जिनका काम क्या है, जिनका काम यह है कि सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस हम ला ले आ रहे हैं उन चेंजेस को लाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, चाहे हम डिज़ाइन में चेंज कर रहे हैं, चाहे हम उसके सोर्स कोड में चेंज कर रहे हैं, चाहे हम एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर चेंज कर रहे हैं, चाहे हम SRS में चेंज कर रहे हैं। तो अब गौर करें कि जब सॉफ्टवेयर में कोई चेंज आती है तो SRS भी चेंज होती है, फिर डिज़ाइन भी चेंज होता है, फिर उसका सोर्स कोड भी चेंज होता है, फिर उसकी टेस्टिंग भी डिफरेंट तरीके से की जाती है, फिर उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट भी दोबारा होती है। तो अब ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं एक तरह से हम एक मिनी SDLC दोबारा से रन कर रहे होते हैं। अब ये जितनी एक्टिविटीज़ हमने की हैं इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, नंबर वन, इनको इनका रिकॉर्ड कीपिंग करना और इनकी मैनेजमेंट करना कि कोई चीज़ नोट डाउन होने से रह ना जाए और इस सारी चीज़ में कोई सिक्योरिटी फ्लॉ ना आ जाए, मतलब कोई अनऑथराइज चेंज ना आ जाए, कोई शख्स अपनी मर्जी से कोई चेंज इंट्रोड्यूस ना कर दे। इसके लिए हम एक प्रोसेस डेवलप करते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये बात कुछ क्लियर हुई? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो क्या कहना चाहिए, इसलिए फिर ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जाती है। इसमें मेरे जहन में और बात आ रही थी, वो जहन से निकल गई। हाँ, जब हम कोई डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करते हैं, एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो ये जब हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में मैंने कहा जिस तरह हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट में जब कोई चेंज आती है तो उसका एक नया वर्जन बना लेते हैं, ठीक है।
अब बात कहने को छोटी सी है कि वर्जन बनाना है, तो जब हम वर्जन एक नई फाइल बनाते हैं तो हम उसी में चेंजेस सेव नहीं करते, हम उसका एक नया कॉपी बना लेते हैं और फिर उसको एक नए नाम से मेंटेन करते हैं। और नाम की भी कन्वेंशन होती है जिससे पता चले कि ये उसका वर्जन 1 है। आपने अक्सर देखा कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप देखें कि वर्जन 1, 1.1, 2.1, 2.1.1, एक स्कीम होती है। ये चीज़ क्या कहलाती है, इसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल। फिर अगर कल को कोई 5 साल पीछे जाए और ये पूछना चाहे कि भाई वर्जन 2 में और वर्जन 2.1 में क्या डिफरेंसेस थे, तो अब ये कौन, इस बात का जवाब कौन देगा कि यार वर्जन 2 में और वर्जन 2.1 में कौन क्या चेंजेस थी। या कोई ये पूछना चाहे कि आज वर्जन 10 है तो यार वर्जन 1 में क्या था। इसका मतलब है कि अब अगर हम इन तमाम चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, ट्रैक नहीं कर रहे होंगे, जब चेंजेस आ रही हैं तो उनको ट्रैक करना है, ट्रैक करने के बाद उनको रिकॉर्ड करना है और उनको मैनेज भी करना है। अब अगर हम ये सारा काम छोड़ देंगे ओपन एंडेड, तो कल को तो फिर हम किसी को भी नहीं बता सकते कि यार हम, हमारे पास तो किसी भी चीज़ की ट्रेसिबिलिटी नहीं होगी कि यार ये चेंज क्यों आई थी और ये चेंज आई क्यों थी, इससे पहले क्या चेंज थी, प्रॉब्लम क्या थी जिसको रिमूव करने के लिए नई चेंज आई। तो वो कहते हैं ना कि बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज, ये जो डिफरेंस है ये जस्टिफाइड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इस चीज़ के लिए फिर पूरा प्रोसेस बनाया जाता है और ये उसी वक्त ही किया जा सकता है जब चेंज करने के लिए जो जो काम किए जा रहे हैं उनको साथ साथ ट्रैक किया जा रहा हो, कंट्रोल किया जा रहा हो, रिकॉर्ड किया जा रहा हो। इस सारे प्रोसेस के लिए जो प्रोस इस प्रोसेस वो प्रोसेस जो कि इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है, उसको फिर हम कहते हैं कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट। क्लियर होगी बात? तो कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। चेंज मैनेजमेंट का काम है चेंज ने आना कैसे है, कोई अनऑथोराइज चेंज ना आए। कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट उसके ऊपर एक सर्विलेंस एक्टिविटी है कि भाई जो चेंजेस आ रही हैं उनको रिकॉर्ड करना है, उनको ट्रैक करना है, उनको मैनेज करना है, उनको लॉग करना है, उनको कंट्रोल करना है ताकि उनकी ट्रेसिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये है उमर, क्लियर हो गई उमर? जी सर, क्लियर है, थैंक यू सर। एक और चीज़ थी, शायद आपने वो पहले भी बताई हो, सूडो कोड के बारे में मैंने पूछना था। सूडो का जहां भी लग आ जाए ना, सूडो, सूडो का मतलब होता है जिसको जो के बगैर किसी रंग के हो, मतलब जिसकी कोई बेस ना हो। तो पुराने टाइम में सॉफ्टवेयर को जब डिजाइन किया जाता था, तो मैंने ये बताया था कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है सॉरी कि हम फ्लो चार्ट्स बना लें। फिर मैंने बताया था कि आजकल सीक्वेंस UML डायग्राम्स बनाई जाती हैं। तो एक और तरीका भी था, उसको कहते थे सूडो कोड। उसमें क्या करते थे कि सादी इंग्लिश में किसी भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के प्रोसीजर को डिफाइन कर लेते थे, तो उसको कहते थे सूडो कोड। वो चूंकि किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता था, लेकिन लिखा ऐसे जाता था जितना जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये बात आपको शायद इतनी आसानी से समझ ना आए, लेकिन बहरहाल हम जब सॉफ्टवेयर लिखते हैं या सॉफ्टवेयर की कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, या तो वो C++ में होगी, जावा में होगी, पाइथन में होगी। लेकिन अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का जो जो क्या कहना चाहिए, उसका जो डिज़ाइन है, अगर हम उसको किसी नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें, तो वो जो चीज़ है उसको कहते हैं सूडो कोड। मतलब सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को डायग्रामेटिकली ना बनाया जाए। डिज़ाइन तो अमूमन डायग्राम में होता है, तो डायग्राम की सूरत में ना बनाया जाए, बल्कि सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को लफ्ज़ों की शक्ल में लिखा जाए और वो जो लफ्ज़ हैं वो इंग्लिश में हो और वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ना हो, इसलिए उसको कहते हैं सूडो कोड। इट बिकम्स लाइक सोर्स कोड। सर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर दें तो हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते ह्यूमन हैं। ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है ना, हाई लेवल, कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज तो होती ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं करना ना, मतलब जब हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाएंगे तो फिर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की हम बात करेंगे।
वही तो कह रहा हूँ कि वो फिर हमें किसी लैंग्वेज में करना नहीं है, इंग्लिश में ठीक करेंगे है सर, सिंपल। ठीक है सर। ये मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, जी सर, ये है सॉफ्ट। हम अब ये मैंने प्रोग्राम, ये मेरा प्रोग्राम है, मैंने कभी प्रोग्राम बैठा लिख रहा था। अब ये इसको पढ़ें जरा। फाइनल सुपरवाइज्ड ऑल एल्गोरिदम्स इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज यहां से पढ़ें। फ्रॉम सर 6 है, फ्रॉम केरास डॉट लेयर्स इम्पोर्ट इनपुट डेंस फ्रॉम ओके ठीक केरास इम्पोर्ट। है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देख रहे हो जी ये सर, ठीक है, ये कोड है, इसको कहते हैं सोर्स कोड। ये बाकी सब लोगों को भी दिखा रहा हूँ, ये है सोर्स कोड, ठीक है, ऐसे लिखते हैं यस सोर्स कोड। ये है सॉफ्टवेयर, ये इंस्ट्रक्शंस है हमारी, ठीक है। अब आप देखो कि ये तकरीबन तकरीबन 574 लाइंस का कोड है, ठीक है। जी सर, अच्छा ये कोड हो गया। अच्छा अब एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकली जो भी कर रहा हूँ वो ही बता रहा हूँ। अच्छा अब इसके अलावा एक मैं एक चीज ओपन कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा ये डायग्राम अब कुछ नजर आ रही है, जी सर, नजर आ रही है। ठीक है। अब ये कुछ ये डिजाइन है, ठीक है, ये मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं अगेन कि ये कुछ काम हो रहा है, ये होगा फिर यहां से ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये चीजें, ठीक है, ये हमने सोचा कोई काम करने के लिए, ये है डिजाइन। गेटिंग माय पॉइंट। अब इस डिजाइन, ये जो डिजाइन है इसको जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया तो फिर वो ये था, ये वो उस शक्ल में आ गया। ये तो सर सोर्स कोड बन गए ना हमारे प्रोग्राम के। हाँ वही क्या डिजाइन से सोर्स कोड बना ना, पहले तो सोचा कि करेंगे कैसे करेंगे, फिर उसको इंस्ट्रक्शंस में लिख लिया, ठीक है। अब जी अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो जो डिजाइन है अगर उसको इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखा जाए, वो जो डिजाइन था, जी सर, ये डिजाइन वो जो मैंने पहले दिखाई थी वो डिजाइन था, ये डेवलप प्रोग्रामिंग है, दो अलग अलग फेजेस हैं। प्रोग्रामिंग से पहले जी डिजाइन सर, होता है, लेकिन अगर डिजाइन को डायग्राम के बजाय इस तर्ज में लिखा जाए इंग्लिश में, जी ठीक है, तो वो सूडो कोड कहलाएगा। ठीक है सर, क्लियर है। ओके चलें जी हम आगे चलते हैं। इसके अलावा किसी को कोई और सवाल? राइट जी चलें। लास्ट टाइम हम लोगों ने आरपीओ आरटीओ कर लिया था। उमर अब तुमसे कोई सवाल पूछे, तुम पूछ, पूछ, पूछ सवाल हो ना पिछले लेक्चर से, तुम उससे आखिरी में पूछना अब। सर मैं इसलिए पहले ही पूछ लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हाँ पूछूंगा। मैं अब क्योंकि अभी टाइम मेरा अच्छा खासा निकल जाता है। चलो एनी हो आगे चलते हैं। अच्छा अब हम इसमें लास्ट टाइम मैंने आरपीओ आरटीओ करा दिया था। जी सर, हो गया था आरटीओ आरपीओ। ओके मेरा एक सवाल है,
अजीज इसका जवाब दो कि आरपीओ जो है, आरपीओ, आर अजीज ऑनलाइन आओ जरा, यस सर आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। आरपीओ क्या होता है? सर आरपीओ और आरटीओ होता है, आरपीओ होता है, हेलो सर जी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बता रहा हूँ, सर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव आरटीओ होता है ना सर। जी जी सर मतलब कि जितना हमारा डाउन टाइम होता है और फिर उतनी हमारी टॉलरेंस लेस होती है। ये मुझे समझाओ मत, मुझे बताओ कि होता क्या है। सर आरटीओ जो होता है वो सर हमारा होता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव होता है सर। मतलब इसमें ये करते हैं कि पहले हम अपना डाउन टाइम के कैलकुलेट करते हैं कि समझो अगर हमारे टाइम्स पे हमें कितना मैं ये लॉस नहीं हो रहा है, पूछ हमने अगर रहा, कितना, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कैसे निकालते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये क्या होता है। सवाल समझो पहले। आप लोग पेपर में भी ये गलती करते हो कि आप लोग सवाल नहीं समझते, आप लोग बस सब इन्फॉर्मेशन दे देते हो और फिर एग्जामिनर से कहते हो तुम खुद निकाल लो जो अपनी मर्जी की मालूमात निकालनी है। ऐसा नहीं होता, सवाल को समझो कि सही, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगर पूछूं कि आरटीओ कैसे कैलकुलेट करते हैं तब ये जवाब होगा जो आप दे रहे थे। मेरा सवाल यह है कि आरटीओ होता क्या है। आरटीओ होता है क्या? और ये कौन सर जवाब इसे देगा? बिल्कुल जी अब्दुल अनवर, यस सर। क्या होता है आरटीओ? सर आरटीओ बेसिकली रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, इसका इसका सिंपली ये मतलब है कि आपके पास कितना टाइम है अपनी सर्विसेज को बहाल करने का। एक्सीलेंट, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, इस ये हम कैसे निकालते हैं? ये हम ऐसे निकालते हैं कि हमें पता होगा कि हमारा एक्सेप्टेबल डाउन टाइम क्या है इन केस ऑफ डिजास्टर। सिंपल, आरटीओ क्या है? एक्सेप्टेबल डाउन टाइम इन केस ऑफ डिजास्टर। यस और सर उससे हमें क्या पता चलेगा? जो बात अब्दुल्ला ने कही है कि हमारे पास रिकवरी के लिए कितना टाइम है। अब्दुल्ला, एक और सवाल। एक्सीलेंट, अगर आरटीओ कम होगा, अगर आरटीओ कम होगा तो इसका क्या मतलब है? जी सर, अगर आरटीओ बहुत कम है, अगर आरटीओ 48 घंटे है तो इसका क्या मतलब है? सर इसका ये मतलब है कि ये बेसिकली इससे रिलेट करता है एक्सेप्टेबल डाउन टाइम से। ठीक हो गया, वो तो आपने बिल्कुल सही बता दिया। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आरटीओ 48 घंटे है, इसका क्या मतलब है? इस बात से क्या आप अखज करेंगे? अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि आरटीओ 48 घंटे है तो इससे क्या अखज करेंगे आप? सर इससे जो मुझे समझ आया ये डाउन टाइम कॉस्ट जब बहुत हाई होगी तो टॉलरेंस टू इंटरप्शन लेस होगा। अभी आपने खुद कहा, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आरटीओ क्या होता है? सर क्या आपके पास कितना टाइम है अपनी सर्विसेज को बहाल करने का? हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि आरटीओ 48 घंटे है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है सर कि आपके पास इतना टाइम है कितना कि टाइम आप है? आपके 48 घंटे के आप अपनी सर्विसेज को बहाल कर सकते हैं।
यस, इसका यही मतलब है. इसका मतलब ये है कि अगर डिजास्टर अकर होता है तो डिजास्टर अकर जिस वक्त डिजास्टर अकर होगा, जिस वक्त डिजास्टर अकर हो गया उसके बाद से लेके आपके पास 2 दिन है कि आपने अपने आप को दोबारा से रिकवर करना है. किसको रिकवर करना है? अपने क्रिटिकल सर्विसेज को जो आपने पहले आइडेंटिफाई की थी. यस सर, ठीक है, आरटीओ कम हो इसका एक और मतलब भी है. आरटीओ कम होता है अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये, अब आपको ये पता चल गया कि डिजास्टर में आपकी कौन सी सर्विसेज हैं जिनको जल्दी बहाल करना है, और वो कौन सी सर्विसेज हैं जिनको कम, जिनको ज्यादा देर में भी बहाल कर लिया जाए तो कोई मसला नहीं होगा. ठीक है, यस सर, एक और बात, इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना आरटीओ कम होगा, इसका मतलब ये है कि आपने इतने ही जबरदस्त किस्म के इंतजामात लेने हैं कि आप उस टारगेट के अंदर अपनी क्रिटिकल सर्विसेज को बहाल करा सकें. ये बात समझ में आई? यस सर, ओके, अब पेपर में एक सवाल आएगा. ये पेपर में ये सारे सवाल आएंगे, मैं आपको बता दूं. एक और बात, जो पेपर का सवाल मैं आपको इतना से बता रहा हूं, वो ये कि अब मेरा एक सवाल है, अनीका आपसे सवाल है और आयशा आपसे भी सवाल है, जो भी जवाब दे सके. अगर सवाल मेरा ये है कि पहला सवाल, आरपीओ क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अनिका. सर, आरपीओ रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव होता है। सर, ओके, ये तो पता चल गया. अब होता क्या है? ये होता ये कि हम लोगों को अपने बिजनेस के लिए कितने कितने टाइम बाद हम लोग अपना बैकअप ले लें ताकि हमारा डाटा लॉस ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट. एक तो ये मतलब है. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये कहूं तो क्या ये बात सही है, ये मैं पूछ रहा हूं, कि आरपीओ जो है, आरपीओ ये बेसिकली इस चीज को कहते हैं कि हमारे पास, हम कितना कितना डेटा लॉस करना अफोर्ड कर सकते हैं. यस सर, यस, आर यू श्योर? नहीं सर, ये इतना तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ इसलिए होता है कि क्या नाम है, हम लोग कितनी कितनी देर बाद डेटा की रिकवरी करते हैं, लेकिन हम लोग लॉस तो नहीं बेयर कर नहीं, सकते नहीं 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 नहीं, अभी आपने क्या बोला, आरपीओ क्या है, कि कि हम कितनी 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 देर के कितनी। बाद, जी कितनी कितनी जी देर के सर, बाद बैकअप ले सक लेना चाहिए। लेना चाहिए. इसका मतलब है कि अगर आप 5 घंटे के बाद बैकअप ले रही हैं, तो इसका क्या जी सर, मतलब है कि अगर आपने 5 घंटे के बाद बैकअप ना लिया, राइट, 5 घंटे जी के बाद सर, दोबारा बैकअप लेने का मतलब ये है कि आप 5.5 घंटे से ज्यादा देर के डेटा लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकती. जी सर, इसलिए तो आप 5 घंटे पहले डेटा ले रही हैं, बैकअप ले रही हैं. जी सर, ठीक है, तो इसका ये मतलब ये जो आपने बताया है कि हम कितनी कितनी देर के बाद डेटा का बैकअप लेंगे, ये हमें कैसे इल्म मिला? क्योंकि हमें ये पता चला कि हम कितना डेटा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं. अगर मैं 5, 5.5 घंटे का डेटा लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, आई रिपीट, अगर मैं 5.5 घंटे का डेटा लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मुझे बैकअप कितनी देर के बाद लेना चाहिए? सर हर 5 घंटे के बाद। एग्जैक्टली, कम से कम 5.5 घंटे से पहले पहले ले लेना चाहिए. जी सर, ठीक है, ओके, तो इट इज द एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा लॉस. ठीक है, यस बात सर, क्लियर हो गई? यस सर, ओके, मेरा अगला सवाल है आयशा आपसे. यस जी, एहसान आपसे भी. जी सर, ओके, मेरा सवाल ये है कि ये जो भी मैंने बताया कि आरपीओ जो है वो हमें ये बताता है कि हमें कितनी कितनी देर के बाद डाटा का बैकअप लेना है, राइट? जी सर, ओके, सवाल ये है कि आरपीओ इन टाइम्स में मैयर किया जाता है, वक्त वक्त में मैयर किया जाता है,
या डेटा वॉल्यूम में मैयर किया जाता है? सर वॉल्यूम में, अमाउंट ऑफ डेटा में, टाइम में नहीं। टाइम में नहीं, क्यों? अमाउंट ऑफ डेटा लॉ, इट इज द अमाउंट ऑफ डेटा लॉस। सर ये इस वजह से क्योंकि जो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव था उसमें हम टाइम के जो टाइम में उसमें देखते हैं कि कितने टाइम के अंदर हम अपना जो बिजनेस है दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है डेटा इन टर्म्स ऑफ टाइम है। हाँ, RTO तो इन टर्म्स ऑफ टाइम है ना, कि कितनी देर के अंदर अंदर हमें अपने सिस्टम को रिकवर करना है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि RPO भी इन टर्म्स ऑफ टाइम होता है या इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं होता? सर इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं होता, ये डेटा के हिसाब से चलता है। ओके, दोनों का जवाब गलत है। बाय डेफिनेशन यस, इट इज द एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा लॉस, डेफिनेशन में यही है, लेकिन इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि हमें कितनी कितनी देर के बाद क्या लेना है? डेटा बैकअप, बैकअप लेना है। कितनी कितनी देर के बाद बैकअप लेना है? तो एक्चुअली फाइनली किस टर्म में बात कर रहे हैं? टाइम में सर। यस, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा कि आरपीओ जो है होता तो वो अमाउंट ऑफ डेटा लॉस है, लेकिन वो मैयर किस फॉर्म में किया जाता है, टाइम में या वॉल्यूम में? तो इसका राइट आंसर है टाइम में। मैंने आपको कभी कहीं ये कहा कि 25 GB का डेटा हो तो आपने उसको बैकअप ले लेना है? नो, हमने क्या कहा, कितने घंटे के से पहले पहले बैकअप लेना है। तो ये बात याद रख लें सब लोग जो ऑनलाइन हैं, कि ये दोनों चीजें टाइम में मैयर की जाती हैं, लेकिन एक चीज डेटा से रिलेटेड है और दूसरी चीज सर्विसेज की बहाली से रिलेटेड है। एक चीज सर्विसेज की बहाली से रिलेटेड है और दूसरी चीज किससे रिलेटेड है? डेटा के बैकअप से। जी सर। लेकिन दोनों किन टर्म्स में मैयर की जाती हैं? टाइम में। बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके ओके सर। कमान एंड रिमशा, आर यू हियर? वालेकुम सलाम सर। जी सर। जी कमान, समझ आई बात? यस सर, आ गई। क्या बात की है सर? आपने आरपीओ की बात की है कि बाय डेफिनेशन हम उसको जो है डाटा जो है वो अमाउंट ऑफ मतलब के टाइम ही लेते हैं, मतलब के वॉल्यूम में, मगर उसको मैयर करते हैं तो हम उसको मैयर टाइम में करते हैं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक है। गुड सर, क्योंकि वो हमें यही बताता है कि हमें कितनी देर के बाद बैकअप लेना है। जब हम खुद ये कह रहे हैं कि आरपीओ से अब हमें ये पता चला कि हमें कितनी देर के बाद बैकअप लेना है, तो ये इसका मतलब हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ टाइम हो गया। ठीक है जी सर। ओके तहरीन, तहरीम आर यू ऑनलाइन? सारा आर यू ऑनलाइन? जुलकर नैन? आमना सदाकत? हमजा? जी सर। जी आमना, आमना आप अभी तक ये जितना भी हमने आज तक बीसीपी के बारे में पढ़ा है, आप किस इसकी समरी बता सकती हैं कि हमने क्या क्या कर लिया? या बीसीपी, बीसीपी को पढ़ने के बाद आपको अब तक क्या पता चला कि हमने क्या क्या चीजें ले लेनी, पता हमें क्या चीजें पता चल गई कि हमें क्या करना चाहिए? मोटी मोटी चीजें, मेन मेन।
इसमें सबसे पहले तो बीसीपी पॉलिसी फॉर्मेशन का पता चला है, वेरी गुड। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एसेट्स, नहीं एसेट्स नहीं, सर्विसेज, यस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, एक्सीलेंट, ओके। और उससे फिर हमें एसेट्स का भी पता लग गया। क्या पता चल गया? जब सर्विसेज को क्लासिफाई किया तो उससे भी पता चल गया। यस तीसरा स्टेप ये, यस स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे रोक लेते हैं। पहला काम ये है कि हमें सब, अगर कोई आपको इदारे में ये कहे कि यार बीसीपी कैसे करोगे, तो पहला काम ये कि आप कहेंगे बीसीपी पॉलिसी बनाओ, ठीक है। दूसरा काम आप क्या करेंगे, बीसीपी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई डिपार्टमेंट बनाएंगे जहां लोग होंगे, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करेंगे। ये पॉइंट आपसे मिस हो गया था। नंबर थर्ड पे आप क्या करेंगे, अपनी बिजनेस की तमाम सर्विसेज को आइडेंटिफाई करेंगे। चौथा काम, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया था, चौथा काम क्या करेंगे, उन सर्विसेज को क्लासिफाई करेंगे। ओके, जब आपने सर्विसेज को क्लासिफाई कर लिया कि कौन क्रिटिकल है नॉन क्रिटिकल है, तो फिर एसेट्स की भी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और क्लासिफिकेशन भी हो गई, ऐसे ही है ना? हाँ जी ऐसे ही। फिर उसका अगला स्टेप क्या था? जी रिमशा, अब आप बताएं अगला स्टेप क्या था। गुड आमना, हेलो रिमशा, आर यू हियर? जी कौन इस बात का जवाब देगा कि अगला काम क्या था? कॉस्ट ऑफ इंटरप्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? व्हाट इज द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इंटरप्शन? नहीं, फिर हमने बीआईए करना है, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में हमने क्या करना था, आप सिंपली ये बोलेंगे कि हम आरपीओ और आरटीओ निकालेंगे बस। और जिसको ये पता है कि आरपीओ और आरटीओ क्या है, सिंपल ये दो लफ्जों की बात है, आरपीओ और आरटीओ। पिछले दो लेक्चर से हम यही पढ़ रहे हैं, लेकिन आरपीओ और आरटीओ का मतलब क्या है कि पहले हम डाउन टाइम निकालेंगे, फिर हम डाउन टाइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम निकालेंगे, फिर हम अपना डेटा लॉस निकालेंगे, फिर हम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस निकालेंगे, राइट। पहले हम डेटा लॉस निकालेंगे, फिर हम डेटा लॉस की कॉस्ट निकालेंगे, फिर एक्सेप्टेबल डेटा लॉस की कॉस्ट निकालेंगे, और फिर हम ये निकालेंगे कि हमारे पास एक्सेप्टेबल टाइम फॉर डेटा लॉस क्या है, अफोर्डेबल टाइम फॉर डेटा लॉस। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी देर के बाद बैकअप लिया। तो हमने आरटीओ निकाली और आरपीओ निकाल लिया। अब ये दो चीजें जिससे हमें अब ये पता चल गया कि हमने अपनी सर्विसेज की बहाली कितनी जल्दी करनी है, आरटीओ, और दूसरा हमने अपने डाटा का बैकअप कितनी जल्दी जल्दी लेना है ताकि डाटा का बैकअप भी बहाल किया जा सके, राइट। जब ये दोनों पता चल गई, अब अगला काम क्या है, इंतजाम करना है। हम उसको कहते हैं, अगला स्टेप है या अगला टॉपिक है हमारा, रिकवरी ऑल्टरनेटिव, राइट। लेकिन आगे जाने से पहले मैं तीन चीजें और बताना चाहता हूं आज, जो कि शायद पेपर में आ सकती हैं, वो आप लिख लें अपने पास। एक का नाम है इंटरप्शन विंडो, दूसरे का नाम है सर्विस डिलीवरी। लेट मी राइट देम, मैं इसको लिख देता हूं ताकि ये शेयर हो रही है डॉक्यूमेंट आपसे लोगों से? यस सर, आ रही है नजर। ओके, इंटरप्शन विंडो,
ये तीन और हो गई, इंटरप्शन विंडो, आईडब्ल्यू उसको बोलते हैं, एक है सर्विस डिलीवरी ऑब्जेक्टिव एसडीओ, और तीसरा ये है एमडीओ एमटीओ मैक्सिमम टॉलरेबल आउटेज। पहले मैं समझा देता हूं उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये मैं बता दूंगा। इंटरप्शन विंडो बेसिकली कहते हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में फेलियर अगर हुआ तो उसको हम कह सकते हैं, अब हम उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ फेलियर। तो पॉइंट ऑफ फेलियर से लेके और जब तक आपकी सर्विसेज बहाल नहीं हो जाती, जिसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज, खास तौर पे क्रिटिकल सर्विसेज, ठीक है। मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ फेलियर नंबर वन, दूसरा मैंने क्या कहा, रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब मैक्सिमम इन दोनों के दरमियान कितना वक्त हम इंतजार कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरप्शन विंडो, ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो वही चीज हो गई जो कि हम आरपीओ में पढ़ रहे थे। आरपीओ में क्या है कि हमें कितनी देर पहले, आरपीओ में सर्विसेज का चलना शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आईडब्ल्यू में थोड़ा फर्क होता है, आईडब्ल्यू थोड़ा कम होता है। आईडब्ल्यू का मतलब है कि सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई हैं, आरपीओ का मतलब है कि वो फंक्शनल हो गई हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो इंटरप्शन विंडो इज द मैक्सिमल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, हम नोट डाउन कर लें, ये मैं लिख देता हूं, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, मैक्सिमम टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम तो हम नहीं कहेंगे, मैक्सिमम टाइम एन ऑर्गेनाइजेशन कैन वेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ फेलियर टिल द रिस्टोरेशन ऑफ क्रिटिकल सर्विसेज स्लैश एप्लीकेशंस। ओके, अगला जो है सर्विस डिलीवरी ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि जब आप रिकवरी मोड में हैं, मतलब ये आपके नॉर्मल ऑपरेशन शुरू नहीं हुए, तो नॉर्मल ऑपरेशन जब नॉर्मल हालात होते हैं तो डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो एक डिफरेंट लेवल पे होती है। लेकिन जब आप एक अनयूजुअल हालात के अंदर हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो नहीं होगी, राइट। लेकिन हमें कम से कम इस बात का तायुन कर लेना चाहिए कि जब हम अपने रिकवरी मोड में होंगे या हम अल्टरनेट मोड में होंगे तो हम कितना, हमें लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ जो सर्विसेज है या जो मेयार है हमारा वो कम से कम कितना होना चाहिए। तो लेवल ऑफ सर्विसेज लेवल स्लैश क्वालिटी ऑफ सर्विसेस दैट मस्ट बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द ऑल्टरनेट मोड ऑफ ऑपरेशन एंड बिफोर going into the normal state. तो normal state में जाने से पहले और alternate mode of operation, alternate mode क्या है कि जब आप business को continue करने की कोशिश कर रहे हैं उस दौरान हम उसको कह रहे हैं alternate mode of operation, मतलब जब आप disaster के केस में भी अपने business को चला रहे हैं तो हम उसको alternate कह रहे हैं। तो अब अल्टरनेट मोड ऑफ ऑपरेशन में आपने कितनी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, इसको हम कहेंगे सर्विस डिलीवरी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, तीसरी चीज जो इसमें है वो है मैक्सिमम टॉलरेबल आउटेज। मैक्सिमम टॉलरेबल आउटेज जो है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज ए मैक्सिमम टाइम। अब
आप एक ऑल्टरनेट मोड में काम कर रहे हैं, तो अब ऑल्टरनेट मोड में भी काम करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो ऑल्टरनेट मोड में भी काम करने की एक आपकी कैपेसिटी होगी, वो कितनी कैपेसिटी है, राइट? तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन सपोर्ट टू एग्जीक्यूट इन ऑल्टरनेट मोड। जी शहबाज, सवाल पूछें। अच्छा, यहां तक समझ आ गया सबको? अगर यहां तक समझ आ गया, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूं, दैट इज रिकवरी ऑल्टरनेटिव। सर जी, सर अभी आपने ये बात बताई है कि इंटरप्शन विंडो में हम ये वेट करते हैं कि मैक्सिमम हम कितनी देर वेट कर सकते हैं फेलियर से रिस्टोरेशन में जाने के लिए। हाँ जी। तो सर ये आरटीओ, ये आरटी आरपीओ तो नहीं, ये आरटीओ से रिलेटेड होगा ना बेसिकली? आरटीओ में हम ये देखते हैं ना कि हमारा फेलियर मतलब कि डाउन टाइम कॉस्ट और एक्सेप्टेबल डाउन टाइम कॉस्ट का हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम कितनी देर तक इसको वो कर सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, उसी वक्त कह दिया था कि ये उससे रिलेटेड है। बिल्कुल सर, इन दोनों का अपेरेंटली जाहिरी तौर पे ये लग रहा है कि दोनों सेम है। हाँ जी सर, मुझे तो यही लग रहा है। बिल्कुल, वो लगना भी चाहिए, लेकिन इसको उन्होंने, कहने का मतलब ये है कि इंटरप्शन विंडो को उन्होंने कह दिया कि हम कितना डाउन रहना बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्होंने उसको कह दिया इंटरप्शन विंडो। ठीक है जी सर। आरपीओ क्या है कि हमने कितनी देर में अपने सिस्टम्स को रिस्टोर कर देना है। जी सर, ऐसे ही है। ठीक है, तो मोर और लेस दोनों एक ही चीज है सर। आरटीओ और आईडब्ल्यू सेम होगा ना, आरपीओ तो नहीं ना? नहीं, आरपीओ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आरटीओ रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। जी सर, अभी आपने आरपीओ कह दिया था इसलिए मैंने ना कंफर्म। नहीं, आरटीओ का है वो शायद, सुनने में गलती हो, आरटीओ। दूसरी बात ये कि आरटीओ का मतलब ये होता है कि आपने बहाली शुरू कर देनी है। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको समझो कि 5 यूनिट्स को बहाल करना है। इसका मतलब है कि 5वीं यूनिट की बहाली तक आप बिजनेस नहीं चला सकते, है ना? जी सर। लेकिन जब पहला यूनिट बाहर हो गया तो इसका मतलब है कि रिस्टोरेशन तो शुरू हो गई। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये बेसिकली जब आपकी पहली रिस्टोरेशन हो जाती है ना, ठीक है जी सर, इस अभी बिजनेस नहीं चला लेकिन अब इंटरप्शन खत्म हो गई, रिस्टोरेशन शुरू हो गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस चला नहीं है लेकिन अब आप ये कह लें मतलब सूरज नहीं निकला, पहली किरण हो गई है। ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जो इंटरप्शन विंडो है ये है कि जब तक रिस्टोरेशन शुरू नहीं हो जाती, और वो जो आरपीओ है वो फुली मतलब वो बिजनेस की क्रिटिकल सर्विसेज के फंक्शनल होने की बात है। ये दो डिफरेंस है। मींस के भी आपने 5 यूनिट्स की बात बताई, जब तक 5 यूनिट्स टोटल वर्किंग में नहीं आएंगे तब तक। तो इंटरप्शन कहां तक है? अगर जहां पहला यूनिट रिस्टोर हो गया, इंटरप्शन खत्म हो गई है। यस सर, ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस। जी सर, क्लियर, थैंक यू।
जी चौधरी बादशाह आप बताएं। यार ये लोग आप लोग हाथ रेस करते हैं फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ चले आते हैं आप लोग। और मैं आप लोगों को अनम्यूट ही करता रह जाता हूँ। हाँ जी किसी का कोई सवाल? जी कमान सर एक बार जी वालेकुम सलाम। नहीं सर मुझे क्लियर है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है आज। ओके ओके राइट जी कमान सर ये सर्विस डिलीवरी ऑब्जेक्ट रिपीट कर देंगे। आपकी आवाज नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जो पॉइंट टू है ना सर्विस डिलीवरी ऑब्जेक्ट ये रिपीट कर दें परी। सर्विस डिलीवरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जब सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल हालात हैं, तो उस वक्त जो क्वालिटी होती है आपकी सर्विसेज की वो डिफरेंट होती है। लेकिन जब डिजास्टर है या कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं तो शायद वो क्वालिटी जो कि नॉर्मल हालात में होती है उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। आई होप यू एग्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये जवाब बना के हम कहें कि बहुत ही पुअर क्वालिटी हम डिलीवर करना शुरू कर दें। तो एसडीओ ये है कि हमें कम से कम इस बात का तयन कर लेना चाहिए कि ठीक है क्वालिटी में गिरावट होगी लेकिन हम कितनी मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी फिर भी मेंटेन रखेंगे। इसको कहते हैं सर्विसेज डिलीवरी ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया। ओके जी जुलकरन। जुल्कनैन आपका कोई सवाल? ओके ओके अब रिकवरी स्ट्रेटेजीज में आ जाते हैं। अब ये जो लोग आज नहीं है ना ये इनका अच्छा खासा नुकसान होगा इस फॉर्म में। रिकवरी स्ट्रेटजीज ओके ये होती है पांच। हॉट साइट, वार्म साइट्स, कोल्ड साइट्स, साइट्स विद रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, मोबाइल साइट्स, इनको हम पोर्टेबल साइट्स भी कहते हैं, साइट्स विद रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, अच्छा डुप्लीकेट साइट्स। अच्छा ये जो साइट्स हैं इसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। ये लफ्ज याद रखिएगा IPF, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। जहां हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी राइट। तो अब करना हमने क्या है कि ये है रिकवरी स्ट्रेटजीज, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट, हमारा ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, हमारे बैकअप। मतलब ये कि इज्यूम करो कि जहां हम काम करते हैं, जिस जगह हम काम, जो हमारी वर्किंग प्लेस होती है, उस वर्किंग प्लेस को हम कहते हैं IPF, प्राइमरी IPF, ठीक है, जो हमारी करंट वर्किंग प्लेस होती है उसको हम कहते हैं
प्राइमरी आईपीएफ, आईपीएफ इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। अब जब प्राइमरी आईपीएफ पे डिजास्टर आएगा तो अब वहां तो हम काम कर नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद उस काबिल ही ना हो कि वहां पे काम किया जा सके। इसका मतलब ये होगा कि हमें ऑब्वियसली कहीं पे अपने आप को रीलोकेट करना पड़ेगा, हिजरत करनी पड़ेगी, राइट। अब रीलोकेट करके हम कहां जाएंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि रीलोकेट करके हम कहें कि जी चलो कहीं भी जहां दिल किया वहां चलते हैं। इसका मतलब है कि हमने रीलोकेट करना है उस जगह पे जहां जाके हम अपने काम शुरू कर सकें। अब वहां जहां हमने जाना है ये हम उस वक्त नहीं सोचेंगे, ये हमने पहले से सोचा हुआ होगा। दूसरी बात कि वो कौन सी जगह हो, कौन सा शहर होगा जहां हमने जाना है, ये सोचा हुआ होगा। शहर में भी किस जगह जाना है ये भी सोचा हुआ होगा। वहां किस जगह जाके काम करना है, वो छत, वो जगह एक्चुअली जहां काम करना है वो पहले से ली हुई होगी। और ऐसा नहीं कि वहां जाके पहले दिन ही जाके फिर हम कहेंगे अच्छा जी चलो लाओ पर्दे लाओ यहाँ के लिए पेंट करो, यू नो वो सब चीज पहले से वेल प्लान्ड होगी, राइट। तो हमने जिस जगह पे जाके काम शुरू करना है उस जगह को हम कहेंगे ऑल्टरनेट साइट, या हम अपनी कहेंगे रिकवरी साइट, ठीक है। तो टारगेट क्या है कि अल्लाह ना करे कि डिजास्टर हो, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ तो अब वो प्राइमरी, वो जो प्राइमरी आईपीएफ है जहां डिजास्टर ने हिट किया वहां काम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अब हमें रीलोकेट करना है, मूव करना है अपने आप को। अच्छा, अब जब हम मूव करेंगे तो हम किस जिस जगह जाएंगे, चाहे वो बर्र आजम मुख्तलिफ हो, चाहे वो मुल्क मुख्तलिफ हो, चाहे वो शहर मुख्तलिफ हो, उसी मुल्क का हिस्सा हो, वट एवर, इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जगह जहां जाके हमें काम करना है ड्यूरिंग द डे ऑफ डिजास्टर, वी कॉल दैट साइट एज ऑल्टरनेट साइट और रिकवरी साइट। नाउ वो जो रिकवरी साइट और ऑल्टरनेट साइट है वहां पे इंतजाम का मेयार कैसा होगा ये डिसाइड करके बताएगा। वहां जितना इंतजाम उमदा होंगे वो फिर हमारी, हमारे वहां पे इंतजाम की जो क्वालिटी है वो हमें बताएगी कि हम कौन सी साइट यूज कर रहे हैं। यहां तक कोई बात क्लियर हुई? अब इन तीन चीजों में मैं खुलासतन एक बात कर देता हूं कि बेसिकली तीन से चार चीजें होती हैं। ये जो रिकवरी साइट है, ये ऑल्टरनेट साइट है, हमारे पास इसकी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। ये चॉइस हम इसमें से कोई एक किस्म की साइट जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट किसकी बुनियाद पे होगा, उसके कोई पैरामीटर्स हैं। वो चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं? टाइम टू रिकवर नंबर वन, कॉस्ट ऑफ रिकवरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, नंबर फोर्थ सिक्योरिटी एंड अदर सिविक फैसिलिटीज, ठीक है। ये चार चीजें हमें डिसाइड करके बताएंगी कि यार हमने इसमें से कौन सी रिकवरी ऑल्टरनेटिव है जो कि सिलेक्ट करना है। मतलब यूं समझे कि आपका हर शहर में घर हो और वो वैसा ही हो जैसा कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस जैसा हो। इसका मतलब क्या है कि आपने हर जगह अपना, हर जगह अपने घर जैसा एक घर रखा हुआ है, ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने, अब यही कितना मुश्किल है कि हर शहर हर मुल्क में आपका जैसा एक्चुअल घर है उससे अच्छा या कम से कम उतना घर हो, उस जैसा घर हो, कि आप जाएं लॉक इन की खोलें और आपको ऐसे ही लगे कि यार कुछ भी नहीं बदला, वही जगह है, सिर्फ शहर मुख्तलिफ है, बाकी सब कुछ वही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप कहें कि यार ठीक है मैं दूसरे शहर में, अक्सर लोग ओवरसीज होते हैं तो वो पाकिस्तान में घर बना के फर्निश्ड घर रख लेते हैं कि जब आएंगे तो हम वैसे ही हो। दूसरा क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है चलो फर्निश्ड घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं कि ठीक है घर ले लेते हैं
फर्निश नहीं करते। अच्छा तीसरा क्या है कि वो घर लेना फर्निश करना भी अफोर्डेबल नहीं है, तो हम कहते हैं ओके जब जाएंगे तो होटल में रह लेंगे। वो भी नहीं कर सकते तो फिर कहते हैं अच्छा चलो किसी कजन रिलेटिव्स के घर लेने। तो इट डिपेंड्स अपॉन के व्हाट यू कैन अफोर्ड एक्चुअली, राइट। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से यही रिकवरी ऑल्टरनेटिव है। तो ये पांच ऑल्टरनेटिव हैं जो मैंने बताए। इन पांच जिस तरह हम ऊपर से नीचे डालते जाएंगे हमारी कॉस्ट ऑफ जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साइट है या कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, ऑपरेशंस तो बाद की बात है, एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस जो है वो बढ़ती जाए कम होती जाएगी। ऊपर से नीचे जाएंगे तो टॉप टू डाउन कम होती जाएगी, लेकिन जो जो कॉस्ट कम होती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, फरवानी है या क्वालिटी है, वो भी कम होती जाएगी। और जब हमारे रिसोर्सेज की कमी या अवेलेबिलिटी या उनकी क्वालिटी कम होती जाएगी तो डेफिनेटली जो हमारा टाइम ऑफ रिकवरी है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अभी ट्रेड ऑफ है। अगर तो आपका आरटीओ बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिवाय हॉट साइट के कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका क्रिटिकल सर्विसेज का आरटीओ जो है वो हफ्ते से ऊपर ऊपर है तो फिर आप कहेंगे कि हाँ यार बॉम साइट ले लो। लेकिन अगर आपका आरटीओ, ये मैं एक रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, अगर आपका आरटीओ क्रिटिकल सर्विसेज का आरटीओ 5 दिन का है तो आपको हॉट साइट ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो हफ्ते और 10 दिन के दरमियान है तो वार्म साइट, और 15 दिन और 25 दिन के दरमियान है तो कोल्ड साइट। तो ये बेसिकली आपको इंतजाम इस लिहाज से करने होते हैं। अच्छा ये जो क्या कहना चाहिए आप कह लें कि इसमें ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट साइट्स, इसको बल्कि मैं इसको उठा के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको बात खत्म हो जाए। इसको हम डुप्लीकेट कह देते हैं या हम उसको मिरर साइट कह देते हैं। ये सबसे बेहतरीन साइट्स होती हैं, ये बेसिकली जैसे आपकी प्राइमरी साइट है उस तरह की चीज़ होती है। तो अब ये तरतीब बिल्कुल सही हो गई, ये एक अलग है, ये इस कैटेगरी में नहीं आ रही, ठीक है। तो ये अब आपके पास ऊपर से नीचे टॉप डाउन डुप्लीकेट साइट या मिरर साइट, हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट्स, ये होता है आपका लेवल। अगर आपका आरटीओ फॉर एग्जांपल घंटों में है तो फिर आपको ये मिरर साइट लेनी पड़ेगी। अगर वो 5 दिन हफ्ते के अंदर अंदर है तो आपको फिर हॉट साइट लेनी पड़ेगी। और अगर वो फॉर एग्जांपल मैंने जैसा बताया कि 10 दिन ऊपर है तो वार्म साइट है, 15 दिन ऊपर उससे ऊपर है तो कोल्ड साइट लेनी पड़ेगी। तो ये है मोबाइल साइट के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अच्छा सर अभी आपने बताया एक मिनट बस मैं यहाँ बता दूँ, ये जितनी मैंने ये वार्म साइट्स कोल्ड साइट्स तक बताई हैं इसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम खुद रिलोकेट करेंगे टूवर्ड्स द ऑल्टरनेट साइट। ये जो मैंने चार बताई है डुप्लीकेट साइट, हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट, इसमें मैंने कहा कि हमने रिलोकेट होना है from the primary IPF to the recovery or alternate site. I repeat, I'm just telling you the technical words. If a disaster occur, then we have to relocate ourselves from the primary IPF to these or to any one of these alternate recovery sites. However, if it is very difficult for us to relocate to these sites, there is another idea that rather relocating yourself towards the sites, if it is possible, it's better to move the alternate site to your site. कि हम alternate site को अपनी तरफ बुला लें, उसको हम कहते हैं movable site या portable sites. और उसके बाद फिर वो अगली साइट होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि मोबाइल साइट इन चार से अलग होती है, एक तरह की अलग होती है। ये क्या होती है मैं एग्जाम्पल्स में बता देता हूँ। तो ऊपर वाली का जो पहली चार मैंने बताई इनका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जाएंगे। जो मैंने पांचवी बताई मोबाइल, उसमें ये कि वो साइट हम अपने पास बुला लेंगे, इसलिए उसको पोर्टेबल या मूवेबल या मोबाइल साइट कहते हैं। और वो जो लास्ट में मैंने लिखा है वो एक डिफरेंट आइडिया है, वो मैं आगे जाके शेयर करता हूँ। जी एनीना, यू मे आस्क द क्वेश्चन। सर आपने बताया ना कि जैसे हॉट साइट आपने बोला 5 डेज तक का, ठीक है, और उसके बाद 5 से ऊपर जाएगा, 10 के बीच में आ जाएगा तो वो वार्म साइट पर चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी,
तो सर बेसिक इसमें डिफरेंस अगर हम डेज को निकाल दें सिर्फ, तो फिर डिफरेंस इसमें क्या रह गया? यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि हॉट साइड जो है वो हमारा, जैसे कहते हैं कि हम वो फौरी हमारा हल दे देगा और वार्म साइड थोड़ा लेट में लेके जाएगा। बिल्कुल नहीं, मिरर तो है ही वैसा। मिरर में सिर्फ कितना वक्त लगेगा, जितना टाइम आपको आमदोरफ्त में लगेगा, बस मिरर साइट के ऊपर। ठीक है, हॉट साइट में उससे ज्यादा टाइम लगेगा, वार्म साइट में उससे भी ज्यादा लगेगा, कोल्ड साइट में उससे भी ज्यादा। बस सब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम, आपका टाइम क्या है। बहाली इन सब में जो डिफरेंस है वो खाली टाइम का आ रहा है कि कौन सा वाला जो है वो कितने टाइम में डिजास्टर को रिकवर कर रहा है। बिल्कुल, ये कहने तो छोटी सी चीज है टाइम, लेकिन टाइम से आगे फिर जुड़े हुई बहुत सारी चीजें हैं। अगर टाइम कम लगेगा तो उसका मतलब ये वसाइल भी कम, वसाइल भी बहुत ज्यादा होंगे, है ना जी? जी सर। अगर वसाइल ज्यादा हैं तो लोग भी ज्यादा होंगे, इसका मतलब ये है कि पैसे भी ज्यादा होंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। अब डिजास्टर होता ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आप दो दो साइट्स पैरेलल में मैनेज कर रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ साइट or at the cost of your security you are doing it, so it all sir, depends upon एक ये trade off sir, मैं आपसे वही आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने एक MCQ पढ़ा अभी इसमें ना, ये सीजा की जो बुक है उसमें पढ़ा हुआ था सर, जो इन दोनों में से हॉट में से और वार्म में से कौन सा वाला साइट है जो ब्रिज का काम कर रहा है, एज अ ब्रिज टूल यूज हो रहा है, अगर हम bridge इसको टाइम फेज पे लिखे सर, मतलब के डिजास्टर रिकवरी और मतलब बेसिकली मुझे अब वो एग्जैक्ट MCQs याद नहीं, लेकिन उसमें ये था कि मतलब दो जैसे दो, एक डिजास्टर है और एक हमारा रिकवरी है, उसके बीच वाला जो एक पोर्शन होता है जो दोनों को जोड़ रहा है। नहीं ऐसा नहीं ना, मुझे एग्जैक्ट बताओ ये टाइम, मतलब सर, बात समझ आएगी ना सर। मैं MCQs दोबारा ढूंढ के फिर आपसे पूछूंगी कल में, या जैसे भी मुझे अभी भूल गया, जो भी पूछो एग्जैक्ट पूछो ताकि मुझे खुद पता हो कि हाँ क्या पूछना चाह रहे हो, अभी बात क्लियर नहीं है, लेकिन नहीं हो कल पूछ लेना। जी सर। और कोई चीज नहीं सर, बस थैंक यू। ओके ओके, अब मैं बता देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा इनकी साइट्स के बारे में और मजीद डिटेल। मोबाइल साइट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का मतलब यह है कि अब ये सारी साइट्स मेंटेन करना बाज औकात एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अफोर्डेबल नहीं रहता, फाइनेंशियली इसका बहुत बड़ा बर्डन होता। तो जिस तरह पार्टनरशिप होती है तो हम इसमें पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में ये हुआ हुआ है, प्रैक्टिकली इट्स हैपनिंग, मतलब ये कि जिस तरह टेलीकॉम सेक्टर में हमारे जितने बड़े वेंडर्स हैं, जोंग हो गया, यूफोन हो गया, मोबिल लिंक हो गया, टेलीनॉर हो गया, इन चारों ने ये चारों नो डाउट आपस में कंपटीटर्स भी हैं, इस बात का भी बड़ा ख्याल रखना है। लेकिन एनी हाउ चारों को कुछ कॉमन सर्विसेज भी चाहिए, राइट? जिस तरह कैश, ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग है, या बैलेंस इंक्वायरी है, या रिंगटोन्स की सर्विसेज हैं, तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस ऑपरेटर के सब्सक्राइबर हैं आपको चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया होता है कि जो कॉमन सर्विसेज हैं वो आउटसोर्स की भी होती हैं। अब उन कॉमन आउटसोर्स सर्विसेज की ये क्या करते हैं, इन्होंने एक डिजास्टर साइट बनाई हुई है। अब ये डिजास्टर साइट इन्होंने सोचा कि यार बजाय इसके कि हम चारों अलग अलग बनाएं, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि हम चारों मिल के म्यूचुअली एक कॉमन साइट बना लें। इससे हमारा एक्सपेंस भी आधा हो जाएगा, हमारे खर्चे भी आधे हो जाएंगे, और हमारी जरूरियात भी पूरी उतरेंगी। तो 1/4 आपने कॉस्ट कटिंग कर ली। लेकिन जो सर्विसेज कंपटीशन में आ जाती हैं, आपकी कॉल की है, मैसेजेस की है, डाटा की है, वो हम इसके ऊपर शेयर नहीं करते। तो याद रहे कि आपने इन चीज को भी जहन में रखना है कि आप अगर आप ये अमूमन आप करते क्या है कि आप कहते हैं कि भाई बजाय इसके कि मैं खुद इनफरादी तौर पे एक साइट मेंटेन करूं, कोई है जो कि मेरे साथ
मिलके हम एक कॉमन साइट डेवलप कर लेते हैं। लेकिन इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि जब आप कोई कॉमन पार्टनर ढूंढ रहे हो तो कोशिश ये करना चाहिए कि ये ना हो कि अगर दोनों का डिजास्टर एक ही दिन में आ गया तो फिर एक और नया डिस्प्यूट ना खड़ा हो जाए कि भाई उस दिन वो साइट कौन यूज करेगा। तो एक तो ये बात जहन में रखनी चाहिए, ये सोच के ये बनानी चाहिए। दूसरी बात ये कि वो आपस में कंपटीटर्स ना हो। तो मैंने इसलिए आपको टेलीकॉम की एग्जांपल दी कि ये कंपटीटर्स हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी स्पेसिफिक सर्विसेज की डीआर साइट कॉमन नहीं बनाई। लेकिन डिस्पाइट कि ये आपस में कंपटीटर्स हैं, तो इन लोगों ने अपनी कॉमन सर्विसेज की एक डीआर, जिसको कहते हैं डिजास्टर रिकवरी साइट, बनाई हुई है और चारों ने मिलकर बनाई हुई है कॉमन सर्विसेज की, राइट। तो ये कभी डिस्प्यूट ही रेज नहीं होगा कि चारों का डिजास्टर होगा तो चारों में से कौन उसको यूज करेगा। तो बेसिकली चूंकि सर्विसेज ही कॉमन है तो उसकी डीआर साइट भी कॉमन है। तो ये हो गया रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के भाई दो लोग जो हैं। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर मैं ये कहूं कि यार एक कंपनी जो है वो यूरोप में है और एक कंपनी पाकिस्तान में, ये दोनों मुआहदा कर लेते हैं कि भाई हम दोनों मिल के दुबई में या कतर में या अबू धाबी में एक डीआर साइट बना लेते हैं, तो ये भी फिर किस में आएगा, रेसिप्रोकल। अब वो दोनों जो हैं वो उनका खर्चा आधा आधा हो गया, दोनों कंपटीटर्स भी नहीं है, दोनों जियोग्राफिकली डिफरेंट भी हैं, और देखा जाए तो दोनों जियोग्राफिकली डिफरेंट होने की वजह से दोनों को जो पॉसिबल डिजास्टर का रिस्क है उनकी नोयत भी मुख्तलिफ है। यूरोप में अगर हम नेचुरल डिजास्टर्स देखें तो डिफरेंट नोयत के हैं, एशिया में देखें तो डिफरेंट किस्म के हैं जो पॉसिबली अगर हो सकते हैं अगर ना करें हों। तो ये चीज जो है इसको फिर इस तरह से रेसिप्रोकल एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। लेकिन इसमें फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आप अपने डोमेन और लीगल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। एनी हाउ, अब ये जो डुप्लीकेट साइट्स हैं वो तो मैंने बता दिया, इनको हम कहते हैं दे आर फुली 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 इक्विप्ड साइट्स या फुली रिडंडेंट साइट्स। रिडंडेंट का मतलब होता है, ये मैंने रिडंडेंट का लफ्ज़ डीबीएमएस में इस्तेमाल किया था रिडंडेंसी का, तो मैंने कहा था रिडंडेंसी अननेसेसरी रिपीटेशन को रिडंडेंसी कहते हैं। एनी हाउ, यहाँ पे वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है दोबारा, यहाँ वो अननेसेसरी नहीं, यहाँ पे नेसेसरी है। तो मिरर साइट्स दे आर दी फुली redundant sites with real-time data copying। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं कि जो आपकी mirror sites हैं, they are the fully equipped and redundant sites with real-time data replication। इसका क्या मतलब है कि इस साइट्स में बिल्कुल रिडंडेंट का मतलब ये वैसी है जैसे कि आपकी प्राइमरी है, और जिस वक्त आपकी प्राइमरी साइट पे डाटा आता है उसी वक्त वो डाटा वहां पे भी अपीयर हो जाता है, तो रियल टाइम डाटा रेप्लिकेशन हो गई। एंड इट इज द मोस्ट कॉस्टली ऑप्शन बट इट इज द मोस्ट लीस्ट रिस्की ऑप्शन। तो डुप्लीकेट साइट्स क्लियर हो गई। अच्छा, इसके मुकाबले में आपके पास जो क्या कहना चाहिए जो ये है दूसरी, अब जो नेक्स्ट दर्जा है वो क्या है, इसमें वॉर्म साइट्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि इसके अंदर आपके पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल होता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब छत होगी, हर चीज़ प्रॉपरली इक्विप्ड होगी, लाइट, बिजली, पानी, सुई गैस, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कनेक्टिविटी होगी। लेकिन जहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी आपके पास होंगे प्रॉबेबली, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ आपके पास, अभी मैं हॉट साइट बता रहा हूँ, इसमें आपके पास स्पेस आ गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इसमें आपके पास जो क्या कहना चाहिए, जो इक्विपमेंट है जो प्राइमरी साइट के ऊपर है वो इक्विपमेंट भी यहाँ पर होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो जो चीज़ नहीं होगी वो ये कि जितना स्टाफ आपकी प्राइमरी साइट पे है उतना स्टाफ आपके हॉट साइट के ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि या तो डिजास्टर के केस में आपके एम्प्लॉय वहां से यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, एक बात, या फिर कम तादाद में वहां पे होंगे। दूसरी बात ये है कि जो डेटा है,
जो डेटा है वो हॉट साइट में, जिस तरह अभी हमने मिरर साइट की बात की तो वहां तो रियल टाइम डेटा डुप्लीकेशन हो रही है, यहाँ रियल टाइम में नहीं होती लेकिन फिर भी नियर टू रियल टाइम होती जरूर है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें क्या कहना चाहिए, जो चीज़ें नहीं होती वो एक तो स्टाफ में फ़र्क आता है कि एम्प्लॉई कम होता है और स्टाफ कम होता है, नंबर वन। नंबर टू, जो डेटा है वो रियल टाइम हम नहीं कह सकते, हम नियर रियल टाइम कहेंगे, मतलब एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस। इसके अलावा तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इक्विपमेंट, उसकी इंस्टॉलेशन, आपके सॉफ्टवेयर, उसकी इंस्टॉलेशन, तमाम रेडी हालात में होती है, राइट। तो ये हो गया आपकी हॉट साइट। इसके मुकाबले में जो वार्म साइट्स हैं, अब आप देखें कि जो जो हम नीचे आते जा रहे हैं तो हम अपनी फैसिलिटीज़ का को कम करते जा रहे हैं। मैंने कहा कि हम डुप्लीकेट साइट्स और साइट पर आते हैं तो लोग उतने नहीं होंगे, या तो होंगे नहीं या बहुत महदूद होंगे जो हमें लेके जाने होंगे, और डेटा भी रियल टाइम से नियर टू रियल टाइम रेप्लीकेशन हो जाएगी। वार्म साइट्स में ये होता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली होता है, कंप्लीट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तमाम सर्विसेज मौजूद होती हैं, राइट। इसके अलावा आपके पास क्या कहना चाहिए, जो इक्विपमेंट है वो, एक तो ये कि जो एम्प्लॉयज हैं वो उतने नहीं होते, नंबर वन। नंबर टू ये कि अब एम्प्लॉयज तो हॉट साइट से भी कम हो जाएंगे, पहली बात। नंबर टू, जो डेटा है वो भी रियल टाइम में नहीं होगा। अच्छा, नंबर थर्ड ये कि जो इक्विपमेंट है वो, जो मेजर इक्विपमेंट है वो आपके पास होगा, लेकिन कुछ इक्विपमेंट जो है वो वहां पे नहीं होगा, राइट। तो या तो इक्विपमेंट जो है वो कम तादाद में होगा, या जो इक्विपमेंट होगा वो उतना केपेबल नहीं होगा जितना कि आपकी प्राइमरी साइट के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आपको, अच्छा दूसरी बात ये कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या डेटा है वो आपको वहां जाके हो सकता है कि इंस्टॉल करने पड़े या डेटा को वहां पे लाना पड़े, तो वहां पे डेटा माइग्रेशन और डेटा रिस्टोरेशन की एक्टिविटी लाजमी होती है। हॉट साइट्स पे और डुप्लीकेट साइट्स के ऊपर डेटा की रिस्टोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां रियल टाइम डेटा रेप्लिकेशन है और नियर टू रियल टाइम है। लेकिन वार्म साइट्स पे मैंने बता दिया, आपके पास एम्प्लॉयज कम होंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास इक्विपमेंट सारा का सारा नहीं होगा। नंबर थर्ड, आपके पास डेटा भी सारा अप टू डेट नहीं होगा, आपको रिस्टोर कराना पड़ेगा। हो सकता है कि जो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो, उनका भी करंट वर्जन ना हो, वो भी शायद आपको अपडेट करना पड़े। तो ये हो गया वार्म साइट्स। इसके मुकाबले में जो कोल्ड साइट्स हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक छत होती है, बेसिक स्पेस होगी, वर्किंग स्पेस होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें आपके पास जो क्या कहना चाहिए, इक्विपमेंट की जो सॉरी एम्प्लॉयज, आपके पास डेटा की सपोर्ट, आपके पास सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, ये चीज़ें वहाँ नहीं होती, ये जाके आपको वहाँ पे करनी पड़ती हैं। तो ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड साइट जो है वो बेसिकली क्या कहना चाहिए, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पे जाके दोबारा से करनी पड़ेंगी। जी सर, इसी से रिलेटेड था वो वाला एमसीक्यू, मुझे मिल गया सर। मुझे ये पूछ, इसमें उसने बोला है कि एन आउटसाइड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी हैविंग इलेक्ट्रॉनिक, एन आउटसाइड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी हैविंग इलेक्ट्रॉनिकल वायरिंग, एयर कंडीशनिंग एंड फ्लोरिंग, बट नो कंप्यूटर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज। अब ये क्या होगा इस पे, जो उसने आंसर दिया है उसने कोल्ड वाला दिया है, कोल्ड साइट। तो बिल्कुल, ये तो आपको अब तो समझ आ जानी चाहिए, अभी बोला है मैंने, क्लियर हो गया जी, मुझे क्लियर हो गया। लेकिन सर इसमें उसने ये भी कह दिया ना कि कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं होगा, खाली जस्ट उसके पास एक जगह है बस। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा स्पेस है, बेसिक स्पेस है और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है, तारे बिछी हुई है, कंप्यूटर नहीं है। ये नहीं कि अब आप कभी गौर करें कि जब घर बन रहा होता है तो केबलिंग छत डलने से पहले डल जाती है, तो वो केबलिंग हुई भी है, बेसिक चीजें हैं, पानी बिजली रोशनी। हम यूज किसके लिए कर रहे हैं, मतलब इसको जस्ट फॉर बैकअप के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, रिकवरी के लिए। लेकिन कोल्ड साइट ये कौन से लोग यूज करेंगे, ये वो लोग यूज करेंगे जिनकी क्रिटिकल सर्विसेज का आरटीओ जो है
वो 20-25 दिन होगा। अगर आपका आरटीओ जो है वो 20-25 दिन है तो फिर आप कौन सी साइट लेंगे? हाँ फिर हम कोड ही लेंगे क्योंकि उसमें हमें हर चीज करनी पड़ेगी शुरू से लेकर एंड देखें, तक। उसकी वजह है ना, उसकी वजह है, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ये काम करेंगे तो एक है आपके पास अमाउंट ऑफ लॉस और एक है आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रोल। अगर आपके कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की लागत आपके लॉस से ज्यादा है तो बेहतर है कि लॉस ले लो और वो छोड़ दो। जी सर और छोड़ दो, यही बोला था ना मैंने। तो यहाँ पे भी यही है कि जी भाई आपका आरटीओ कह रहा है कि आप 25 दिन तक नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आप 25 दिन तक नुकसान, 25 दिन का डाउन टाइम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ये कह रहा है, एनालिसिस किया हुआ है। लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं लूंगा डुप्लीकेट साइट, तो भाई क्यों? वो अब तो बहुत जल्दी डुप्लीकेट फिर साइट का तो मतलब ये है कि वो तो हर वक्त ऑनलाइन है, लेकिन उसको एस्टैब्लिश करने की कॉस्ट देखो, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट देखो, उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट देखो। ये जो कॉस्ट है वो तो कहीं ज्यादा हो गई आपके लॉस से। तो जी सर आप तो बड़े अच्छे बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो जब ये सारी प्लानिंग करने का मकसद क्या है? ये सारी प्लानिंग करने का मतलब ही ये है कि फैसला सही लिया जाए। अब अगर आपका बीआईए बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस ये कह रहा है कि भाई आपका आरटीओ क्या है, एक्सेप्टेबल डाउन टाइम क्या है आपका 25 दिन, तो क्यों लेते हो डुप्लीकेट साइट, क्यों लेते हो मिरर साइट, क्यों लेते हो हॉट साइट, कोल्ड साइट लो। जी सर, क्योंकि इसमें हमें हर चीज़ शुरू से अपने हिसाब से लेके चलनी है, यहाँ तक कि नहीं हमने नहीं सिस्टम को भी अपनी नहीं मर्जी नहीं से नहीं नहीं इंस्टॉल नहीं करना है। नहीं चलनी तो है, लेकिन जी सर चलनी है और फिर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। बात ये है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें शुरू से खुद करनी है, ये शुरू से खुद लेके चलनी है, नहीं। बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको शुरू से लेके चलना और ऑपरेशनल करने तक में जो मोहलत चाहिए वो हमें कौन दे रहा है? हमारा आरटीओ दे रहा है, जी सर ये है वो असल कोल्ड पॉइंट। साइड। जी सर हाँ, ये दे। तो अब अगर मेरा आरटीओ हफ्ते का है तो मैं कोल्ड साइट तो ले ही नहीं सकता। फिर हॉट पे जाएंगे, हॉट साइड, यस बिल्कुल, और अगर क्योंकि दस वो से आपने पंद्रह बोला दिन है तो 5 डेज। वॉर्म पैड्स पे लो। तो ये चीज जी है। सर ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया, ओके हो गया। चलो ठीक है, राइट जी। तो अब ये मैंने साइट्स बता दी, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पे एक नई चीज बता दूँ, ये साइट्स हम किसी को आउटसोर्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ये साइट खुद ही मैनेज करें। एक तो मैंने कहा ना रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के दो लोग मिलके काम कर लें, एक तरीका तो ये है। एक और तरीका भी है कि रेसिप्रोकल एग्रीमेंट ना किया जाए, लेकिन अच्छा अब हम एक और काम भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि ये काम हम खुद मेंटेन करें, हम क्या करें, हम ये सर्व, अब दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं वो कहती हैं कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, हमें अपना आरटीओ बताएं, बल्कि वो तो ये भी कहती हैं कि हम आपका बीआईए कर देते हैं, हम आपको ये कंसल्टेंसी दे देते हैं, बहरहाल आप ये खुद निकाल लेते हैं। तो आप फिर वो कहते हैं कि भाई आप बजाय कि आप इस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिकवरी साइट करें, मेंटेनेंस ऑफ रिकवरी साइट करें टिल द टाइम आपको इसकी जरूरत पड़े, तो इतना जो खर्चा करते हैं आप, बेहतर ये है कि आप हमसे सर्विसेज ले लें, हमारी सब, हमने साइट्स मेंटेन की हुई है, हमारी सब्सक्रिप्शन ले लें, और ये कि ईयरली बेसिस के ऊपर हम, मंथली बेसिस के ऊपर हम, आप हमसे सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हमें पे कर दिया करें, और जब खुदा ना खास्ता डिजास्टर हुआ और आपको हमारे पास आना हुआ तो फिर आप उसका यूजेज एक्सपेंस जो है वो हमें दे देंगे। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि यू आर रजिस्टर्ड, यू आर ऑथराइज्ड टू यूज इट, और यूजेज एक्सपेंस ये है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके पैसे दे दें। तो ये दो तरीके हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम उसको आउटसोर्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारे पास क्वालिटी आ जाती है, दूसरा ये कि हमें इतना मेहनत टाइम पैसा मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए ये एक तरीका है आउटसोर्स। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अक्सर ये होता है बाजुकत कि अगर आपने ये आउटसोर्स कर दिया तो पता चला एट द एक्चुअल टाइम ऑफ डिजास्टर वो कहते हैं भाई हमारे पास तो बिजली नहीं, फिर आप क्या करेंगे, ये तो डिजास्टर पे डिजास्टर हो गया। इसीलिए फिर जरूरी है कि आप अपना एग्रीमेंट ऐसा लिखें कि कल को एक तो आपके साथ डिजास्टर हुआ हुआ है, दूसरा वो कर देते हैं, उससे बचने के लिए आपने उनको एग्रीमेंट ऐसा लिखा हुआ हो कि वो इससे बच के ना जाए और अपनी सर्विसेज की कमिटमेंट में पूरा 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 कमिटमेंट जो है उसको ऑनर करें।
इसके लिए फिर हमें चाहिए कि हम एग्रीमेंट ऐसा बनाएं जिसमें हम उनको पाबंद करें, कम से कम हमें चाहिए उसमें कि हम उनके लिए अपने इस तमाम एग्रीमेंट में अगर ये चीज जरूर मेंशन करें कि अगर आपने हमें ये चीज मेंशन नहीं की तो क्या कहना चाहिए, तो आप हमें उसकी कंपनसेशन करेंगे, तो एक चीज। और दूसरी बात ये कि उसमें आप एक एग्रीमेंट जो है उसमें इस बात का, ये मैं सीधा सीधा बातें बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी बातें लेकिन चूंकि पेपर में ये चीज आज कम आएंगी तो बाहर मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ कि नंबर वन ये कि आपकी और उनकी डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर जो है वो सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि वो एक चीज को डिजास्टर, आप एक चीज को कह रहे हैं डिजास्टर है, वो उस चीज को डिजास्टर तसव्वुर ही नहीं कर रहे, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये ना हो कि वो आप जब किसी से सब्सक्रिप्शन लें तो ये जरूर देखें कि वो उन्होंने और कितने लोगों को सब्सक्रिप्शन दी भी है, मतलब ये कि उनकी जो साइट है या जो उनकी फैसिलिटी है उन्होंने जितने लोगों को सब्सक्रिप्शन ऑफर की भी है, क्या उसके उस साइट पे उतनी वाकई कैपेसिटी है भी कि वो इतने लोगों को एक वक्त में तमाम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज डिलीवर कर सके। फिर उनकी इंश्योरेंस, फिर ये कि वो आपको यूजेज कितना अर्से करने की इजाज़त देंगे, और ये कि अगर वहाँ कोई इक्विपमेंट ख़राब हुआ तो उसकी वारंटी वगैरह। एक और बात ये कि आप उनको ये कहें अपने उस मुआहदे में ये लिखवाएं कि भाई हम कभी कभार आपका ये इसको ऑडिट करवाएंगे या इसको टेस्ट करवाएंगे, या आप हमें टेस्ट करवा के दें या आप हमें इसका अपना ऑडिट करवा के दें, और हमारी सिक्योरिटी की भी जमानत कौन देगा। ये सब बातें फिर आपने वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये सब बातें फिर आपने एग्रीमेंट के अंदर वहाँ पे लिखनी है, राइट। ये बात कुछ क्लियर हो गई। तो अब हमारे पास ये जो ऑल्टरनेट रिकवरी वाला साइट है ये वाला मामला भी खत्म हो गया, राइट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो अब हम साइट तक तो आ गए, हम चले थे कहाँ से कि हमें सबसे पहले बीसीपी पॉलिसी बनाई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद अपनी सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया, सर्विसेज को क्लासिफाई किया, फिर उससे हमें अपने एसेट्स की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हो गई, फिर हमने उनका BIA किया, RTO निकाला, RPO निकाला, उससे हमें एक्सेप्टेबल डाउन टाइम, हमें डाटा लॉस पता चल गया, उसके बेसिस पे हमने ये प्लानिंग कर ली कि हमें कौन सी रिकवरी साइट्स लेनी है और कौन सा इंतखाब करना है, जिसमें मैंने आपको 3-4 बताया। मोबाइल साइट्स के बारे में मैंने बता दिया कि वो साइट्स हम खुद मूव करते हैं, जिस तरह 2005 का अर्थक्वेक हुआ था तो वहाँ पे जब ये टॉवर्स वगैरह गिरे तो फिर यहाँ से लोग वहाँ चले गए थे, तो आजकल ये जिस तरह 2-3 साइट्स, जिस तरह ये हॉस्पिटल्स होते हैं ये मोबाइल हो सकते हैं, या फिर आपके बैंक्स हैं, ATM मशीन्स वगैरह ये मोबाइल हो सकते हैं, आपके टेलीकॉम हैं, आपके मीडिया हाउसेज हैं, ये सब मोबाइल साइट्स इनकी होती हैं, तो एक तो ये चीज़ें हो गई। भारत या आपकी ऑयल कंपनीज होती हैं, इनके यहाँ जब जिन जगहों पर ऑयल एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो ये अपनी परमानेंट साइट्स नहीं बनाते, इनकी मोबाइल साइट्स होती हैं, तो भारत ये साइट्स हो गई, ये हमने कर लिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि अब हम ये देखेंगे कि हमने साइट्स वर्किंग जो हमारी साइट्स थी उसके तो ऑल्टरनेट डिसाइड कर लिए। अब एक तो मैंने आपको रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स बता दिए, और अब आपका काम क्या होगा कि आप RTO RPO की बुनियाद पे इनमें से किसी एक साइट को चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगला काम क्या है कि अब हमने ये पढ़ना है कि डेटा, नंबर वन डेटा की रिस्टोर, डेटा का बैकअप, या हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसकी डिजास्टर रिकवरी, और जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा, तीन चीजें होंगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जिनको हम अपनी एप्लीकेशंस कह रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, और नंबर थर्ड डेटा, इनकी रिकवरी के लिए अब टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम जा रहे हैं कि इनके लिए हम क्या करेंगे, तो वो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होपफुली मैं कल कराऊंगा। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, अभी शुरू किया तो खत्म नहीं होगा। अभी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सर असाइनमेंट्स नहीं चेक करेंगे आज? यार सारे लोग तो है नहीं, अब वो मैं कल चेक करूंगा। ईमेल कर दी तुम लोगों ने मुझे? हाँ वो मुझे सर, मैंने कर दी, बाकियों का पता नहीं, वो मैं नेक्स्ट में करूंगा इंशाल्लाह, कल करूंगा इंशाल्लाह। ओके सर, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर? ओके है, सब ओके है। ओके राइट, चलो ठीक है। ये ओके ऐसी ओके वाला है या असली वाला ओके? सर असली वाला ओके है, बिल्कुल जेन्युइन है, आप टेस्ट कर सकते हैं। चलो जबरदस्त, गुड है। जी जनाब, किसी का कोई सवाल? ओके नहीं है। शफीक जी एहसान, सर ये एक MCQ आया था पेपर के अंदर ना, ये वेब 2.0, ये क्या चीज है सर?
हेलो। हाँ जी, वैप इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये आगे चल के बताऊंगा। ये तुम ठीक है लोग सर। पेपर ये भी पढ़ लेक्चर ले रहे होते हैं या एमसीक्यू हल कर रहे होते हैं पीछे बैठे हुए? नहीं सर, ये उसमें एग्जाम में आया था, किसमें आया था? अभी जो पेपर अटेम्प्ट दिए थे सर उसमें अच्छा, दे भी एमआई दी माशाल्लाह। सर, बस जितनी तैयारी थी उस हिसाब से तो दे दिया है, अभी देखते हैं। कितने सवाल आते थे? सवाल तो सर पहला जो पोर्शन था एमआईएस का, इसमें इतना मसला नहीं हुआ था। ऑडिट वाले में काफी सारे इस तरह के थे जो अपने बेसिस पे ही किए हैं सिर्फ, क्यों? वो सर अभी एक तो कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा मतलब जो 50% सेकंड पोर्शन है कोर्स का सर, उसमें से जो ऑडिट के जो सवाल आए थे ना वो कॉन्सेप्चुअल थे काफी हद तक ना, थ्योरेटिकली ये इस तरह सीधे सीधे नहीं आए थे वो। कौन से सीधे सीधे? मतलब एक तो जैसे किताब में पढ़ी हुई हो चीज उसी तरह ही आ जाए तो वो अलग चीज थी, एक तो समझी हुई भी कम थी और फिर तैयारी थोड़ी कमजोर थी उस साइड से। कोई सवाल याद है बीसीपी के हवाले से? बीसीपी के हवाले से सर एक बस आया था, पता नहीं अभी ये पेपर भी हर किसी के पास अलग अलग आते हैं, जो मेरे पास एमसीक्यूज आए थे उसमें एक था उसने सीधा सीधा सवाल पूछा था कि डेटा रिकवरी प्लान किसको कहते हैं ना, या जो जब ये था बल्कि कि डिजास्टर अकर होता है तो वो हमें किस चीज से पता चलता है, तो वो नीचे ऑप्शन दिए हुए थे उसमें एक था डीआरपी ना, तो उसका तो सीधा वही आंसर था डेटा रिकवरी प्लानिंग डेटा प्लानिंग रिकवरी सर, प्लानिंग तो कोई चीज ही नहीं है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग होता है। और सॉरी डिजास्टर रिकवरी प्लान डीआरपी सर। उसके अलावा मैंने लिखे हुए हैं, अब अगर आप कहते हैं तो सर मैं ये एक मरतबा पढ़ देता हूँ सारे जितने मुझे जहन में थे। सर अब बता दो, उसमें सवाल ये था कि डिजास्टर का कैसे पता चलता है? किस चीज से कौन से प्लान से पता चलता है? इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान से पता चलता है भाई, डीआरपी से नहीं पता चलता। सर ऑप्शन में तो ये दिया हुआ था, बाकी तीन मुख्तलिफ ही दिए हुए थे। वो तुमने पढ़ा ही नहीं, वो तीन ऑप्शन क्या थे? उनमें इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान एक होगा। मुझे बस सर यही फिर था जहन में। अच्छा अच्छा यही सर मसला था। अच्छा हाँ बताओ। बाकी थे, एक था ई कॉमर्स की जाती है और उसके अंदर ना फॉलोइंग प्रस्पेक्टिव्स जो है वो शामिल होते हैं ना, उसमें एक था ओएलटी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ना, एक था बिजनेस प्रोसेसिंग, दूसरा कम्युनिकेशन और आखिर में ऑप्शन दिया होता आल का। हाँ तो ऑल है। ये ऑल किया था। उसके बाद दूसरा था डीलिंग विद कंज्यूमर, जो कंज्यूमर आपस में डील करते हैं तो उसके लिए ई कॉमर्स का कौन सा जो ना मॉड्यूल यूज होता है, C2C और बाकी भी इस तरह दिए हुए थे। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो खैर तुम लोग पता नहीं कैसे वो याद करके लिख के लाते हो। एनी हाउ अभी इसलिए मैं बार बार देखो, मसला क्या है? मसला ये है कि खैर हर एक अपना अपना डिसीजन है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अटेम्प्ट कर ली, चलो दिल को इत्मीनान हो गया, दिल की हसरत पूरी हो गई, लेकिन अटेम्प्ट देनी तो पड़ेगी दोबारा, जी सर, उम्मीद तो है है सर ना? क्लियर हो जाएगा अभी। हाँ लेकिन वो इस ऐसे क्लियर होने का क्या फायदा कि जिसमें पता ही नहीं था कि कैसे हो गया, चांस से हो गया तो क्या ही बात है। नहीं सर अभी जो 50% हमारा कोर्स कंप्लीट है ना उस हद तक तो बिल्कुल ठीक था, अब जो नहीं है उसको तो अभी मैं तक हम भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, आज 50% पे कोर्स क्लियर हो जाता है, कोर्स क्लियर जी कर सर लिया, कल को इंडस्ट्री में जाओगे वो तो ये कहेगा ना कि कोर्स पास है, लेकिन नॉलेज फिर भी आधा होगा, तो नीम हकीम खतरा जान हुए है ना, तो क्या फायदा है? तो भाई मैं बार बार यही समझाता हूँ कि मकसद को बड़ा बनाओ। मकसद क्या है? नॉलेज हासिल करना, पेपर क्लियर हो जाएगा। तुम लोग टारगेट बनाते हो पेपर क्लियर करने का, उसमें नॉलेज रह जाता है, पेपर कभी हो जाता है कभी नहीं होता। मैं खैर इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं यही कहूँगा आप सबको कि भाई नॉलेज हासिल करो। तुम लोग पेपर में
लेक्चर इस वजह से नहीं, मैं मेरा मेरा एक बहुत सबसे अगर छोटा ऑब्जेक्टिव है ना तुम लोगों को पढ़ाने में, वो है पेपर क्वालिफाई कराना, क्योंकि मुझे पता है कि जिसने मेरे साथ बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया ना, छोटा तो वैसे ही गारंटेड है। लेकिन एनी हाउ, बहरहाल बारा सर, हम लोग ये भी तो है ना कि पेपर तो हमें शॉर्ट टाइम में क्लियर करने हैं, बाकी सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है सर। भाई, मैं नहीं बदल सकता तुझे, ठीक है, तू सही है भाई, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल नहीं करेक्ट, सर, नहीं बिल्कुल करेक्ट, अब नो मोर डिस्कशन। वो भाई मैं पूरी जिंदगी जो है ना वो, बहरहाल ये हर एक की अपनी अपनी अप्रोच है, ये अभी आप छोटे हैं, अभी आपको नहीं समझ आएगी मेरी बात की, शायद बाद में समझ आए। जो एक्सीलेंस होती है ना, एक्सीलेंस ठीक है इज अ डिफरेंट थिंग, और पेपर क्वालिफाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। सर बहरहाल आपकी चीज से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, मगर बस ये भी है कि पेपर जो है ना कुछ लिमिट के, टाइम के लिमिट के अंदर ही करने पड़ेंगे ना सर। चलो, मैं भी तो यही कह रहा हूं, लेकिन ये तो कोई नहीं है ना कि पेपर का मतलब ही कि पेपर पढ़ने के बाद ही करना चाहिए, ये तो पेपर नहीं भागे जा रहा कि भाई हाँ घर वालों ने कहा है निकाह नहीं करना जब तक ये क्वालिफाई नहीं करोगे, ऐसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो सब्जेक्ट तो पूरा ले लो फिर करना ना तैयार। बहरहाल बाकी हम नेक्स्ट में, नेक्स्ट कल मेरी क्लास है तो कल इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके 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 अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज।